फास्ट मनी 10 में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होंगे 20 ऐसे स्टॉक्स जो इंट्राडे के लिए चुने गए हैं, यहाँ पर जहाँ इंट्राडे में तेजी बन सकती है या फिर जो मंदी के सौदे आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल एक फ्लैट मार्केट देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर आज के सत्र में पोजीशंस तेज बन रही है। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। संदीप, तो छोटे मझौले शेयर्स आज फिर से थीम है मार्केट की, और थोड़ी देर पहले तो टाटा ग्रुप के जो शेयर्स है वहां पर अच्छी पार्टिसिपेशन देखने को मिली है। पूरा टाटा समूह अगर आप देखें तो काफी अच्छे गेंस आज वहां पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप बाजार की बात करें, बाजार में देखिए नए रिकॉर्ड स्तर आप देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही अगर आप देखें तो नए रिकॉर्ड जो है उन्होंने छुए हैं। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पे तो रिकॉर्ड ओपनिंग हुई थी आज। कल अच्छी क्लोजिंग थी, वो कल का जो मोमेंटम है आज फिर से कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख रहा है। वो छोटे मझोले स्टॉक्स जो हैं वहीं पे एक्शन ज्यादा देखते हैं। और ऊपर से डेरिवेटिव मार्केट की एक्सपायरी नजदीक आती चली जा रही है, कुछ स्टॉक्स जिन पे फोकस बढ़ गया है, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पर शुरू करते हैं। और जो तेजी के सौदे हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, यानी कि बाजार का सेटअप बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो तेज हो सकते हैं वहीं पर ही कंसंट्रेट करने की सलाह दी जाएगी। शुरुआत में करूंगा उज्जीवन के साथ। इस स्टॉक में लोअर लेवल से पुल बैक देखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले चल सकते हैं, जहां पर सेटअप स्ट्रांग है और जो सीरीज के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं उन स्टॉक्स पर फोकस रखिएगा, जिसमें से उज्जीवन भी एक स्टॉक है। यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 391 से 390 के जोन पे, लेकिन तेजी पकड़ी तो 400 के पार जाने की क्षमता रखता है। 398 पहला टारगेट, उसके बाद 402 तक के टारगेट्स के लिए आप उज्जीवन को पोर्टफोलियो में शामिल करें। वैसे भी ये जो NBFC एज अ पॉकेट है, ये बैंक्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स दे रही है। उज्जीवन स्ट्रॉन्ग सेटअप डेरिवेटिव मार्केट पे। दूसरा स्टॉक जहां पर तेजी बनाने की सलाह है वो है मार्क्सन फार्मा। आज फार्मा स्टॉक्स का दिन है और छोटे मझौले फार्मा स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन अब स्ट्रांग हो चली है। इस स्टॉक पे तेजी बन सकती है। इनफैक्ट ये बता दूं आपको कि दो सत्रों से हाई लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन यहां से अब एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। क्षमता है इसमें आज के इंट्राडे में लगभग 41-41.50 तक के टारगेट्स हासिल करने की। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और यहां पर जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो 39.5 का लगाना होगा। मैं मार्क्सन फार्मा की बात कर रहा हूं। यहां पर जो टारगेट्स हैं वो है 41.5 और जो स्टॉप लॉस है वो है 39.5 जो आपको इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। तो स्टॉप लॉसेस 41.5 और 39.5 के लगाने होंगे आपको, टारगेट्स 41.5। चलिए, तो फार्मा और खासतौर पर जो मिड कैप फार्मा स्टॉक्स है वो काफी एक्टिव है आज के दिन में, लेकिन एक स्टॉक जो कि अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, ट्रेडर्स के रडार पे नहीं आया है, वो है एशियन ग्रेनेटो का। देखिए, इसकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है एस्ट्रॉन पेपर, जिसका IPO खुला था बीते हफ्ते, उसकी लिस्टिंग शुक्रवार को होने वाली है, और शुक्रवार से पहले कहीं ना कहीं स्टॉक में मुझे लगता है कि जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि IPO को बेहद शानदार रिस्पांस मिला था। वेस्ट मटेरियल से ये कंपनी, पेपर बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनमें उस लिस्ट में शामिल है, और हो सकता है कि लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिले। तो हो सकता है अभी नहीं तो लेटर हाफ ऑफ द डे में जो एक्शन है स्टॉक में बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि इसकी सब्सिडरी है, वन ऑफ द प्रमोटर्स है ये कंपनी एस्ट्रॉन पेपर की, तो इसमें हो सकता है कि जो एक्शन है आज दिन के दौरान बढ़ता हुआ दिखे। 560 तक के जोन के लिए आज इसमें आप अप्रोच कर सकते हैं, लिस्टिंग से पहले 535 रुपये के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। फार्मा स्टॉक्स की बात आप रजत कर रहे थे, वोकार्ड एक नाम है, कई दिनों तक हमने देखा कि इसमें काफ़ी नम कारोबार देखने को मिला था, उसके बाद देखिए अब दूसरा दिन ऐसा है जब काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे जो बाइंग इंटरेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो नए हाईस के करीब ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। आज मोमेंटम अगर बढ़ा तो दिन के दौरान स्टॉक में हो सकता है 940 तक के जो जोन्स हैं वो ऑन द हायर साइड देखने को मिले। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए 912-910 रुपये के आसपास का। वो खाड़ में तेजी बढ़ी तो 940 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। एक्शन स्ट्रॉन्ग हो चला है, डेरिवेटिव मार्केट पे परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा बड़ा है फार्मा सेक्टर में, वो खाड़ ही है। इनफैक्ट ये स्टॉक ऐसा है जो दम रखता है एक ही दिन में 9-10-12-15% तक के मूव्स दिखाने का, बावजूद इसके कि FNO में है। इनफैक्ट ऐसा स्टॉक है जो कि आरकॉम जैसी चाल दिखाने में, ये समझ लीजिए कि मार्केट अगर स्टेबल रहा तो इंट्राडे में वो खाड़ पे पोजीशंस जो है वो तेजी की ही कैरी होती हुई नजर आएंगे। इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन कुछ स्टॉक्स फिर से वो स्मॉल कैप बात हो रही है, PPAP ऑटो एक स्टॉक है जहां पर तेजी बन रही है, और ऑटो एंसरी तो वैसे भी बाजार पे लगातार पकड़ मजबूत हो रही है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की। PPAP अब तक के उच्चतम स्तर पे है, तेजी यहां से बढ़ सकती है क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी है, तो यहां पर कहीं पर भी जा सकता है स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म की बात हुई, लेकिन क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं अभी तो 648 के आसपास का ही आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, और आज 665 से 666 तक के टारगेट्स PPAP ऑटो में आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स, यहां पर आज पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है। थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स जो थे वो दिन के उच्चतम स्तर पर दिखाई दे रहे थे।
बाजार पे हाई लेवल्स पे थोड़ी अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो इनमें भी हुई है, लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट देखिए, आप देखिए जब ये चलता है ना तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिलते हैं, करीब डबल डिजिट रिटर्न देने के भी काबिल हो जाता है एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। टाटा इन्वेस्टमेंट का सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें 905 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, इसमें पोजिशन बनाई जा सकती हैं। दूसरा एक और पॉकेट है वो है कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसमें BPL एक स्टॉक है जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को शामिल कर सकते हैं। BPL पे आज शुरुआती सत्र में ही अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई और 3 दिन की गिरावट के बाद एक पुल बैक ट्रेड इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। अब चला तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है 121 और स्टॉप लॉस 114 का, अभी फिलहाल 116 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 114 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। 121 तक के टारगेट्स BPL पे देखने को मिल सकते हैं। मूव पॉजिटिव, शुरुआती एक घंटे में वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग देखने को मिले। एशियन ग्रैंडरों की बात मैंने करी थी, एक ऐसा स्टॉक जिसमें अभी तक ज्यादा मूव नहीं देखने को मिला है, लेकिन एक और पॉकेट आपके सामने रखता हूँ, वह रिटेल शेयर। देखिए 3 दिन का लंबा वीकेंड था, क्रिसमस की जो सेल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है ऐसी उम्मीद है, और उसके साथ साथ अब न्यू ईयर आता जा रहा है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इन कंपनी की जो सेल्स है उसमें काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप देखें कल का सेशन US के, अगर आप शेयर बाजार की बात करें तो वहाँ पे रिटेल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसी एंटिसिपेशन में कि जो लंबे वीकेंड्स आ रहे हैं, क्रिसमस की बात करें या तो फिर जो न्यू ईयर अप्रोच कर रहे हैं हम, उस दौरान इन कंपनी की जो बिक्री है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है। तो V2 रिटेल में आप चाहें तो आज 470 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखें, अच्छी बिक्री की उम्मीद में आप खरीदारी कर सकते हैं, 490 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। और इसी ग्रुप में एक स्ट्रांग परफॉर्मर है DMart, जो कि अपनी लिस्टिंग के मुकाबले देखें तो कई गुना ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जब मैंने इसे आइडेंटिफाई किया था ये लाल निशान में था, अब ये रिकवर हुआ है, 1% के आसपास गेंस देखने को मिल रहे हैं। टारगेट आप रखिए 1185 के आसपास का, स्टॉप लॉस आप रखिए 1155 रुपये के आसपास का। पांचवा शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो एक ऑटो एंसिलरी प्ले है, कल मैंने एक मैनन बेरिंग को उतारा था, उसमें काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले थे। भारत सीट्स एक शेयर है जो कि आज मेरे रडार पे, इनफैक्ट अगर आप देखें सुजुकी जापान और मारुति सुजुकी इंडिया की अगर आप बात करें तो उनकी एक JV कंपनी, और जिस तरह से मारुति में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, ये इनके सप्लायर हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए यहाँ पे मूव आना अभी भी बाकी है मारुति के बनस्पत। हो सकता है कि आज के आज ही 255 तक की चाल देखने को मिले, एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 239 के आसपास का। ऑटो एंसिलरी में भारत सीट ये एक ऐसा प्ले है जो कि रिस्क रिवॉर्ड वाइज यहाँ से भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। जो बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं अब उनकी बारी है, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मेरे अगले 2 स्टॉक्स हैं, उसमें पहला नाम है एल्फेजियो, इस स्टॉक पे आप नज़र रख के चल सकते हैं। देखिए क्रूड 2.5 साल की ऊंचाई पर पहुंचा है, ब्रेंट क्रूड में अगर आप देखें $60 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और जितने भी ऑयल एंड गैस एंसिलरी ऑफशोर ड्रिलिंग स्पेस की जो कंपनी है वो काफ़ी एक्टिव हैं। अबान ऑफशोर देखिए, आप सेलान देखिए, HOEC जैसे स्टॉक्स, डॉल्फिन ऑफशोर जैसे स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव हैं। ये कंपनी में अगर आप देखें जो ऑयल एंड गैस उत्पादक कंपनियां हैं उनको साइस्मिक स्टडीज, इससे जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करने के कारोबार में है, तो क्रूड का चलना इस स्टॉक के लिए भी काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर, अभी तक मूव नहीं देखने को मिला है। हो सकता है दिन के दौरान अगर मोमेंटम बढ़ा तो 955 तक की चाल देखने को मिल सकती है, 925 के आसपास का स्टॉप पर लगाएं एल्फेजियो में, आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला जो स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है बार्मर लॉरी का, देखिए 4 दिन की रेंज से स्टॉक बाहर निकलता हुआ दिखा है, अगर आप चार्ट पैटर्न देखें इसके करीब 2% के आसपास का अपमूव है, और 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो लगातार इस स्टॉक में जो खरीदारी का ट्रेंड है वो देखने को मिला है, तेजी बरकरार है, और आज भी अच्छे खासे वॉल्यूम बिल्टअप के साथ देखिए 2.25% के आसपास के अपमूव है। जो ऊपर की ओर टारगेट है आज के लिए वो 282 रुपये का है, इसके जो स्टॉप लॉस के लेवल्स हैं आपको वो 273 रुपये के आसपास के रखने हैं। चलिए अगला शेयर जो है जहां पर खरीदारी की जा सकती है वो है लवेबल। देखिए फिर से वही बात कि टेक्सटाइल शेयर्स, खासतौर से होजरी शेयर्स जो है, इसमें 2 डेटा में चेक कर रहा था, एक तो था लवेबल का और दूसरा रूपा, दोनों ही शेयर्स पे आज के सत्र में फिर से खरीदारी के संकेत हैं। 2.5% का मूव ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन ये अपनी 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से तेजी का सेटअप है, इसको ड्राइव कर सकता है। आप 5 से 6 रुपए के आसपास का टारगेट यहाँ से और ऊपर का लगाएं, 247 से 248, और स्टॉप लॉस आपको 239 के आसपास लगाना होगा। दोनों स्ट्रक्चर्स रूपा और लवेबल जो है वो कंसिडर किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और शेयर है होटल लीला, आज शुरुआती सत्र में यहाँ पर अच्छी तेजी बन गई, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि 20.90 या फिर 21 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन आज दिन भर के लिए एक्ट करेगा आर्ली चार्ट के हिसाब से। जब तक ये जोन नहीं तोड़ता तब तक खरीदारी का मौका है, होटल लीला यहाँ से चल पड़ सकते, बहुत बहुत स्टैगर्ड वे में चलता है ये स्टॉक, लेकिन ये तेजी का सेटअप है जो आज स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब 22.20 रुपए तक के टारगेट्स आप होटल लीला पे रख सकते हैं, और आज ये 21 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। अच्छा कैंडिडेट है इनफैक्ट होटल शेयर्स में पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी एक्टिविटी, आप देखिए Q3 जो तिमाही में जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, इनफैक्ट ये बेस्ट तिमाही होती है इस पूरे स्पेस के लिए, होटल स्पेस के लिए, ये ऐसी कंपनी जो टूर एंड ट्रेवल स्पेस की होती है, उस लिहाज से भी जो एक्शन है वो काफी अच्छा देखने को मिला है, 3 दिन का लंबा वीकेंड ऑलरेडी बीता भी है।
अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है टिन प्लेट का। देखिए टाटा समूह के स्टॉक से बात हम कर रहे थे, इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला, 1.5% के आसपास का मूव है, अच्छे खासे वॉल्यूम बिल्टअप है और 4 दिन की गिरावट के बाद देखिए आज एक पुल बैक स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो अगर पुल बैक कंटिन्यूड रहा तो आज के लिए जो टारगेट प्राइस है ऊपर की और वो 4% पे 276 रुपये के आसपास के नजर आ रहे हैं, 263 रुपये के आसपास का यहाँ पे स्टॉप कर सकना होगा आपको। इसके अलावा श्नाइडर इलेक्ट्रिक एक ऐसी कंपनी है जो कि स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। इनफैक्ट जब गुजरात इलेक्शन के नतीजे आए थे उसके बाद भी स्टॉक आपको रिकमेंड किया था, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, आज भी अच्छा आप मूव देखने को मिल रहा है। 52 हफ्ते की ऊंचाई से अगर आप देखें तो करीब 20% डिस्काउंट पे आपको ये शेयर नज़र आएगा। तो एक तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, इलेक्शन वर्डी के बाद जो कामकाज है उसमें सुधार देखने को मिलेगा और दूसरा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है इन लेवल्स के आसपास भी। आज के लिए जो टारगेट प्राइस है वो 140 रुपये का है, स्टॉप लॉस आपको इंटरडे बेसिस पे 128 रुपये के आसपास का रखना है। और आखिर में जो सुपर हिट शेयर है वो एक और टाटा समूह की कंपनी है टाटा केमिकल्स, यहाँ पे आप नजर रख के चलिए। देखिए एक्सपायरी से पहले कुछ शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है वो भी टाटा केमिकल को सपोर्ट करता हुआ दिख सकता है। आज टाटा समूह के स्टॉक्स वैसे भी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल भी रहा है, वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे भी बिल्टअप देखने को मिला है। अगर दिन के दौरान लेटर हाफ ऑफ द डे में शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिला तो स्टॉक में जो टारगेट प्राइस है वो 755 तक के आ सकते हैं, 733 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप कर सकना होगा। JM फाइनेंशियल एक स्टॉक है जहां पर शुरुआती सत्र में तेजी बनी और ये पिछले एक घंटे में देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफी अच्छे सेटअप यहां पर बनता हुआ नजर आए, तेजी का कैंडिडेट हो सकता है। और जो ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स हैं ये वैसे भी कहीं ना कहीं लोअर लेवल से साफ तौर पे खरीदारी के संकेत दे रहे हैं, 154 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट आज इंट्राडे के लिए रखें 158 से 159 के जोन पे और 152 ये आज दिन का आपको स्टॉप लॉस लगाना है JM फाइनेंशियल पे। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि थीम है मार्केट की, यहाँ पर लगातार तेजी के सौदे ही हैं। एक कंपनी है कैपेसाइट इंफ्रा, यहाँ पर अभी मात्र 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, लेकिन टिल बजट हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर बेट पॉजिटिव ही लगती हुई नजर आए। पोजिशनली कोई भी डे पा रही तो ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं उसको खरीदारी करने के लिए, वो मिसाल आज ही है, 3 दिन हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई लेकिन अब फिर से लोअर लेवल से एक स्मार्ट पुल बैक दे रहा है ये स्टॉक। आज के दिन का टारगेट होगा 410 और स्टॉप लॉस आपको 399 कैपेसाइट इंफ्रा पे लगाना होगा। फिलहाल 2% के आसपास की तेजी स्टॉक पे देखने को मिल रही है। इंडोको रेमेडीज एक और स्टॉक जहां पर अच्छी तेजी बन सकती है, वैसे भी हम बार बार बात कर रहे हैं जो पूरा पॉकेट है पूरा ही स्पेस है आज बज कर रहा है, एक्शन में है, 10 दिन की औसत के से जो शेयर में वॉल्यूम जो है उसके साथ खरीदारी देखने को मिली और ये वॉल्यूम के साथ प्राइस में बढ़त देखने को मिल रही है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, फिलहाल 294 के आसपास है, 291 ये लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस और 300 तक के टारगेट्स यहाँ पर इंडिगो रेमेडीज पे आज देखने को मिल सकते हैं।